জয় জয় দেবী চর চর সারে কুচু যুগ শোভিত মুক্তাহারে বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তুতে। मैं आज का ये व्लॉग सरस्वती वंदना के साथ शुरू कर रही हूँ। Hey guys, welcome back to my channel. This is Tanu here. और आप देख रहे हैं मेरे चैनल Tropical Penguin. So ये है मेरा भाई तर्पण. Say hi. और हम दोनों जा रहे हैं मेरे स्कूल जहाँ पे मैंने 9th से 12th तक पढ़ाई किया है. वहाँ पे हम जा रहे हैं सरस्वती पूजा के लिए. और इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको कि अंडमान में सरस्वती पूजा कैसे सेलिब्रेट होता है. So keep on watching. सो फ्रेंड्स, आज सरस्वती पूजा के लिए मैं आई हूँ रविंद्र बांग्ला विद्यालय पोर्ट ब्लेयर में. और ये जो स्कूल है ये बहुत पुराना एक बंगाली मीडियम स्कूल है जो कि बहुत साल से पोर्ट ब्लेयर में है. लेकिन अब इस स्कूल में बस बंगाली मीडियम ही नहीं है, बंगाली मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम भी है. और इस स्कूल में मैंने क्लास 9th से क्लास 12th तक की पढ़ाई किया है. तो चलिए मैं ले चलती हूँ आज आपको रविंद्र बंगला विद्यालय, जिसे हम आरवीवी स्कूल कहते हैं, इस स्कूल की सरस्वती पूजा में. बंगाली कम्युनिटी में सरस्वती पूजा जो है वो वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है. और एक फन फैक्ट आपको बता दूं, आज का दिन बंगाली वैलेंटाइन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आज वसंत पंचमी है. और वसंत काल जाना जाता है नए नए जो विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं, इसलिए. सरस्वती पूजा में जनरली अंडमान में ऐसा कैंपस के अंदर ही पंडाल बनाया जाता है और फिर सरस्वती माँ की मूर्ति को स्थापित की जाती है. ये जो पूजा होता है, ये पूजा में टीचर्स और स्टूडेंट्स के एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने मिलता है. सरस्वती माँ को विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है. पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि वसंत पंचमी के दिन उनकी आराधना की जाएगी. यहाँ पे माता सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित किया जा रहा है. अभी आप जो देख रहे हैं इस रिचुअल को बंगाली में हाथीखोड़ी कहते हैं. अगर आप में से किसी को भी इस रिचुअल का हिंदी में नाम पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जानना चाहती हूँ. इस रिचुअल में छोटे बच्चे अपने जीवन के पहले अक्षर लिखा करते हैं और वो ऐसे पहला अक्षर जैसे अ आ क ख ए बी सी डी 1 2, ऐसे छोटे छोटे अक्षर वो लिखते हैं ऐसे स्लेट में. आज के दिन बच्चों को पहले हल्दी लगाया जाता है, उसके बाद उनको नहलाया जाता है, फिर नए कपड़े पहनाया जाता है उनको. ज्यादातर पीले कपड़े पहनाया जाता है, लड़कियों को साड़ी और लड़कों को धोती कुर्ता पहनाया जाता है. देन उनको नए प्लेट चॉक और बुक दिया जाता है और फिर सरस्वती माता की आशीर्वाद के साथ औपचारिक रूप से उनकी शिक्षा आरंभ हो जाती है. इतने सालों के बाद फिर से वो स्कूल में जाकर आई रियली फेल्ट नॉस्टैल्जिक. ये जो लेफ्ट साइड में आप क्लासेस देख रहे हैं, यहीं पे हमारे 11th 12th के क्लासेस थे. और मेरे जो भी क्लासमेट्स से वीडियो देख रहे हैं उनको शायद पुराने दिन याद आ गया होगा. और यहीं पे हमारा फेयरवेल भी हुआ था. यहाँ पे सरस्वती पूजा ऐसे ही सेलिब्रेट होती है. 10 साल पहले स्कूल से पास आउट हुई और तब और भी ज़्यादा डेकोरेशन होता था, लेकिन अब डेकोरेशन थोड़ा कम है, चमक धमक बहुत कम है. खिचड़ी इज द एसेंस ऑफ सरस्वती पूजा. आई कैन से जहाँ पर भी सरस्वती पूजा होता है खिचड़ी तो वहाँ बनेगा ही. और आरवीवी स्कूल में भी बना था.
और मेरे बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज है यहाँ पे। सरस्वती पूजा के दिन हम यहाँ पे ऐसे सज धज के, जैसे आप देख रहे हैं पीछे में सब आते हैं, वैसे ही मैं भी ऐसे सज धज के आती थी और इट वॉज़ ए ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब मैं वो सारे दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ और आज भी मुझे वो सारे मेमोरीज सब याद आ रहे हैं। आई एम जस्ट मिसिंग माई फ्रेंड्स, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ का फेज में हर किसी के साथ आपको एंजॉय करना चाहिए। माँ सरस्वती आपको विद्या दे, आपको बुद्धि दे और आपको ढेर सारा खुशियाँ दे। मैं आज बहुत सारे मेरे दूसरे पुराने फ्रेंड्स से मिली, कुछ कुछ से नहीं भी मिल पाई लेकिन बहुत किसी से मिल भी पाई, टीचर से मिली तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं सबको मैं शूट नहीं कर पाई लेकिन जितना भी शूट करें इट वॉज रियली ग्रेट। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरे व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।